मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज देख लेते हैं करेक्टिंग इनकरेक्ट वैल्यूज़ ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसमें एक मैंने एग्जांपल नंबर 26 ली है, तो ये एग्जांपल हम एक बार देख लेते हैं। दैट इज़ द फॉर अ ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वर फाउंड टू बी 60 and 5। ठीक है, लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट करेक्ट आइटम वॉज 50 वॉज रॉन्गली कॉपीड एज 30। फाइंड करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब ये हमारे पास जो एक स्टेटमेंट है, यानी कि ये है कि 100 ऑब्जर्वेशंस थी हमारे पास और मीन हमारे पास क्या आया, ये इनकरेक्ट मीन अपन लिख लेते हैं। हमारे पास कितना है इनकरेक्ट मीन, दैट इज 60, और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है 5। ठीक है, और बाद में हमें कहा कि हमारे पास इनकरेक्ट वैल्यू जो थी वो थी, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट करेक्ट आइटम वॉज 50 विच वॉज रॉन्गली कॉपीड एज 30। 30 करेक्ट वैल्यू है हमारे पास 50, राइट। तो मीन हमारे पास कितना आता है, समीशन ऑफ एक्स ओवर एन। ठीक है, तो मेरे पास है तो ये इनकरेक्ट 60, समीशन ऑफ एक्स, एन कितना है 100, तो समीशन ऑफ एक्स कितना आ गया 6000। ठीक है, अब समीशन ऑफ एक्स को करेक्ट कैसे करना है, हमने 6000 में हम करेक्ट वैल्यू को ऐड करते हैं माइनस इनकरेक्ट वैल्यू को कर देते हैं, तो ये 6020 हमारे पास आ गया। तो करेक्ट मीन अब मेरे पास क्या बन गया है, दैट इज 6020/100, 60.20। ठीक है, अब मैंने करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन भी करना है, तो वो मैं कैसे करूँ, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जो लगेगा, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मीन भी गलत था, तो पहले हमने मीन को करेक्ट किया, अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को भी करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले मेरे पास इनकरेक्ट कितना है 5, तो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर को हम निकालेंगे, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर 100 माइनस मीन, पहले इनकरेक्ट ही लेके चलेंगे, बाद में सारी चीज़ें हम लोग जो है वो करेक्शन में डालेंगे। तो इनकरेक्ट के अकॉर्डिंगली 60 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमने सिंपली सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे, जैसे ये स्क्वायरिंग हो जाएगी, 25 इज इक्वल टू समीशन, ये निकल जाएगी समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर 100 माइनस 3600। ये हमारे पास क्या बन गया, 25 प्लस 3600, ठीक है, इंटू 100 इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है ये है इनकरेक्ट, करेक्ट अभी हमने निकालना है, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, करेक्ट आएगा 362500 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू 30 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ गया करेक्ट वैल्यू 364100। अब मैं सारा करेक्ट निकाल देती हूँ इसमें, तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास क्या आ गया, यही आ गया समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर 364100 ओवर 100 माइनस मीन, अब करेक्ट मीन लेंगे हम 60.2 का स्क्वायर। ठीक है, तो करेक्ट जो बनेगा वो हमारे पास इस सबको सॉल्व करने के बाद 4.12, दैट इज करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। मेनली हमने क्या किया, इसमें रॉन्ग को निकाल दिया है और राइट को ठीक कर दिया, करेक्ट को ठीक कर दिया, राइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू। अगर मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस है 4.4 एंड वेरियंस है 8.24, तो 3 ऑब्जर्वेशन अगर मेरे पास 469 है, फाइंड द अदर टू, तो इसको हम कैसे निकालेंगे।
एक्स है मेरे पास 4, 6, 9, एक्स वन एक्स टू मिसिंग है. सपोज एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं 16, 36, 81, एक्स वन का स्क्वायर एंड एक्स टू का स्क्वायर. तो यहाँ पे देख लेते हैं समीशन ऑफ एक्स मेरे पास क्या आ गया, 19 प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू. समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर मेरे पास आ गया है 133 प्लस एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर, राइट. तो अभी हम ये मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंगली इसको निकाल सकते हैं. तो मीन मेरे मेरे पास क्या आ गया, समीशन ऑफ एक्स ओवर एन यानी 19 प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू ओवर 5, और मेरे पास 4.4 दिया हुआ है. 4.5 × 5 19 प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू, राइट. तो ये मेरे पास आ गया एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस 19 इज इक्वल टू 22, ठीक है जी. तो एक्स वन प्लस एक्स टू मेरे पास क्या आ गया, दैट इज 3, ठीक है. अब दूसरा मेरे पास क्या दिया हुआ है, वेरिएंस. वेरिएंस के थ्रू भी देख लेते हैं थोड़ा सा. तो वेरिएंस का फॉर्मूला जो रहता है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, राइट. तो ये अगर मेरे पास आ गया समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है जी. तो अभी सिर्फ हम वैल्यूज पुट कर देते हैं. मेरे पास वेरिएंस क्या है, 8.24, ठीक है. समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर का है 133 प्लस एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर. मीन मेरे पास क्या है, 4.4 का स्क्वायर ओवर क्या है मेरे पास 100, ठीक है. सॉरी यानी यहाँ पे 100 नहीं है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज 5, क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशंस है. तो ये मेरे पास क्या आ गया, 8.24, ये प्लस हो जाएगा. तो इसको जो है 19.36 × 5 = 133 प्लस एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर, ठीक है. तो अल्टीमेटली ये मेरे पास जब मैं पूरा इसको कर लेंगे हम सॉल्व, तो आ जाएगा एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 5. तो मेरे पास अब दो जो है वो बन गई है इक्वेशंस, एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू 3, एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 5. तो मैं चाहूँ तो इसमें एक्स वन का वैल्यू पुट कर लेती हूँ यहाँ पे, या फिर एक्स टू का वैल्यू भी पुट किया जा सकता है. जैसे एक्स टू का वैल्यू मेरे पास क्या आता है, 3 − x1. तो यहाँ पे पुट कर देते हैं एक्स वन का स्क्वायर प्लस 3 − x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ठीक है. तो यहाँ पे एक्स वन का स्क्वायर आ गया मेरे पास, और इसका फॉर्मूला ओपन अप कर देते हैं, दैट इज 9 प्लस एक्स वन का स्क्वायर माइनस 6 x1 इज इक्वल टू 5. तो 2 x1 का स्क्वायर, ठीक है जी, 9 में से 5 क्या कितना आ गया मेरे पास, 4, माइनस 6 x1 इज इक्वल टू 0. तो इसको अगर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 4 का इसमें से भी निकल जाएगा एक्स वन का स्क्वायर 3 x1 + 2, एक्स वन का स्क्वायर माइनस 2 x1 − x1 + 2 इज इक्वल टू 0. एक्स वन बाहर निकाला, एक्स वन माइनस 2 − 1 बाहर निकाला, एक्स वन माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो एक्स वन माइनस 2 एक्स वन माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो एक्स वन या तो 1 हो सकता है या फिर हो सकता है अब 2, राइट. तो अगर तो एक्स वन मेरे पास 1 है, तो एक्स टू मेरे पास हो जाएगा, दैट इज 2, क्योंकि 3 में से 1 माइनस क्या. और अगर मेरे पास एक्स टू एक्स वन 2 है, तो एक्स वन हो जाएगा 1. इस तरीके से हम लोग जो है मिसिंग वैल्यूज फाइंड करेंगे, राइट. आगे आ जाती है मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन.
सो इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मूला. तो इस कि अगर मेरे को एन नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला निकालना है तो मुझे 1/12 एन स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा. जैसे कि इसमें एग्जांपल दिए कि पहले 5 नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला निकाल दीजिए, तो एन की जगह मैंने क्या किया, 5 पुट कर दिया, 1/12 5 का स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट. ठीक है, तो ये मेरे पास नेचुरल नंबर्स का अपने आप ही आ गया. कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन वो हम पहले कर ही चुके हैं. द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ऑफ द आइटम्स टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज लीस्ट, दैट इज़ वाई स्टैंडर्ड डेविएशन इज, जो डेविएशंस है अगर हम अर्थमेटिक मीन से लेते हैं तो क्या होगा, मिनिमम होंगे, लीस्ट होंगे, राइट. दैट इज़ वाई इसका हम जो निकालते हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन वो अर्थमेटिक मीन से निकालते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंजेस ऑफ ओरिजन, दैट इज कॉन्स्टेंट वैल्यू ए is added or subtracted from each item of the series and standard deviation remains unaffected. ठीक है, तो चाहे हम subtract करें चाहे add करें तो standard deviation को कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो standard deviation is not independent of scale, यानी multiply करें constant number से या फिर हम divide करें तब भी same ही रहेगा. And ये standard deviation का एक जो है relation symmetrical distribution के हिसाब से जो है वो है, अगर हम ऐसा एक कर्व बनाते हैं तो स्टैंडर्ड मीन प्लस वन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 68.27% आइटम्स को जो है करती है, ये रहा, ठीक है, 68.27%. ठीक है, और अगर मीन को हम टू स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ प्लस माइनस करें तो ये 95.45% जो आइटम्स है उसको इंक्लूड करेगी, और अगर हम यही 3 के साथ करें तो ये 99.73% को इंक्लूड करेगी. ठीक है, दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन का जो है रिलेशनशिप्स हमें बताए हुए हैं, राइट. तो मेजरली हम देख लेते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन 4/5 का है. ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 5/6 ऑफ मीडियन जो है मीन डेविएशन, मीन डेविएशन इज इक्वल टू 6/5 क्वार्टाइल डेविएशन. तो ये जस्ट आपको पता होना चाहिए, नथिंग एल्स. तो एक और आपको एग्जांपल भी बता देती हूँ, दैट इज़ वेरी इजी सा है. तो एक कॉलर मैन्युफैक्चरिंग इज कंसीडरिंग द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू स्टाइल कॉलर टू अट्रैक्ट यंग मैन. द फॉलोइंग स्टेटिस्टिक्स ऑफ नेक सर्कमफ्रेंस आर अवेलेबल बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ अ टिपिकल ग्रुप ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स. कंप्यूट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड यूज क्राइटेरियन मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन. देखिए, अब मीन प्लस माइनस 3 डेविएशन का क्या है, 99.73% का कवरेज. ठीक है जी, ही शुड मेक इन ऑर्डर टू मीट द needs of practically all of his customers, bearing in mind that collars are worn on average 3/4 inch larger than the neck size. ठीक है, अब क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करने को कहा है इस क्राइटेरिया पे. तो सबसे पहले तो वही मिड पॉइंट्स जो हमें और फ्रीक्वेंसी जो हमें मिली हुई है. ठीक है, तो इसके थ्रू हमने क्या किया है, देखिए दोनों चीज़ें हमें आती है, मीन भी हमने निकालना सीखा हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी इसमें, यू ऑलरेडी नो दैट. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें निकाल लेने हैं, मीन भी निकाल लेने डेविएशन भी. ठीक है, इसके अगला बताऊंगी कि क्राइटेरिया कैसे यूज़ करना है हमने, तो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नेक के लिए. ठीक है, तो इसमें क्या है, मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन. तो पहले मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ले लिया, दैट इज 16, ये दोनों ही इन्होंने निकाल लिए हैं प्लस माइनस करके, दैट इज 12.0745 एंड 16.389 आ गया है. ठीक है, तो सिंस द कॉलर्स आर वॉर्न ऑन एन एवरेज 3/4 इंच लॉन्ग देन द नेक साइज, वी शुड एड 0.75 टू दीज लिमिट्स. ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये हमें बोला है कि 3/4 क्या हो गया, 0.75, तो ये हम प्लस कर देंगे दोनों में ही कि इतना जो है इंच लॉन्गर चलता है. तो ये प्लस करके हमारे पास क्या बन गया, ये डेविएशन 12.825 17.139. तो स्मॉलेस्ट साइज जो बन गया वो 12.825 और लार्जेस्ट क्या बना,
17.139 इंचेस। मतलब सिंपली मीन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, तो इन दोनों का जो हमें उन्होंने बोला कि मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको निकाल लिया। और उन्होंने जो एक क्राइटेरिया दे रखा था कि 3/4 इंच लॉन्गर है, तो उस दोनों को प्लस करके हमने ये जो है लिमिट्स निकाल दी हैं। ठीक है, सिमिलरली एक ये भी है कि मीन डेविएशन दिया है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालो। इसमें आपने सिंपल फार्मूला लगाना है, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 5/ मीन डेविएशन। दीज आर द सिंपली जो आपने पहले यहाँ पे देखे हैं, तो ये याद करके आप सिंपल इसको अप्लाई कर सकते हो। राइट, एक आपके पास फार्मूला आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मैं सिंपल ये फार्मूला बताऊंगी, रेस्ट आप खुद करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना आता है, मीन भी निकालना आता है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, डिवाइड कीजिए मीन के साथ इनटू 100, नथिंग एल्स। राइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट देख लेते हैं लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व में क्या है कि आपको जैसे इनकम यहाँ पे दिया हुआ है 100, 200, 400, 500 and 800। ठीक है, और दूसरा दिया होगा जैसे नंबर ऑफ पर्संस दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ पर्संस हमारे पास क्या है इसमें, पहले सबसे पहले हमने क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव इनकम, यानी कि 100, 100+200, 300, 700, 1200, 2000। सिमिलरली हम नंबर ऑफ पर्संस के मामले में भी यही निकालेंगे, 80, 150, 200, 180, 200 and then 230, sorry, and then 250। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज, दैट इज 100/2000 × 100, फिर 300/2000 × 100, 700/2000 × 100, 1200/2000 × 100, 2000/2000 × 100। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया 5, 15, तो उसके बाद 35 एंड देन 60 एंड देन 100। ठीक है, सिमिलरली ये परसेंटेज हमने यहाँ पे भी निकालनी है, 80/250 × 100, 250 टोटल है, 150/250 × 100, 200/250 × 100, 230/250 × 100, 250/250 × 100। राइट, ये हमारे पास कितना आ गया, 32 एंड देन 60 एंड देन 80, 92 एंड 100। अब ये लॉरेंस कर्व हमने बनानी कैसे है, तो ये बनानी है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये बनेगी एक बॉक्स के जैसी, ये इक्वालिटी। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा परसेंटेज ऑफ पर्संस, यहाँ पे आ गया परसेंटेज ऑफ इनकम। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and this is 100। Similarly 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, 5 and 32, नंबर ऑफ persons 32। ठीक है, एंड दिस इज 5, तो ये मेरे पास कुछ पॉइंट बन गया। उसके बाद 60 and 15, 60 and this is 15, तो ये कुछ पॉइंट सा बन गया। ठीक है, 80 and 35, 80 आया और ये आया 35 and 80, तो ये कुछ पॉइंट सा बन गया मेरे पास। ठीक है, एंड देन 92 and 60, तो 92, 60, तो ये वाला पॉइंट सा कुछ बन गया। एंड देन उसके बाद 100 and 100, तो ये वाला पॉइंट बन गया। ये देखिए, इनको ज्वाइन करके ये क्या बन गई, दिस इज़ कॉल्ड लॉरेंस कर्व। ठीक है,
तो ये जितना ज़्यादा ये डिफरेंस होएगा उतना इनक्वालिटी ज़्यादा है, जितना कम डिफरेंस होगा उतना ही बेटर है. सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर, दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.